मीजल्स ये एक हाईली कंटेजियस डिजीज है जो कि मीजल्स मोबिलोवायरस के इन्फेक्शन के कारण होती है। इस डिजीज में रोगी को तेज बुखार, जुखाम, इन्फ्लेम्ड आईज, खांसी तथा मुख के अंदर होने वाला एक विशेष प्रकार का रैश जिसे कॉम्प्लेक्स स्पॉट कहते हैं आदि लक्षण होते हैं। रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन ह्यूमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पहला रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है। लक्षणों के उभरने के पहले 3 दिन से लेकर जब तक कि रैशेज निकल नहीं जाते तब तक सबसे ज्यादा इन्फेक्टिविटी होती है। रैशेज निकलने के बाद इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा ब्लड है पर इसका रोल अभी अनक्लियर है। तीसरा वॉश्ड ल्यूकोसाइट्स और टेयर्स है। प्रोड्रोमल फेज में 2 से 4 दिन तक इनके कारण इन्फेक्शन हो सकता है पर इनका रोल भी अभी अनक्लियर है। चौथा यूरिन है। रैशेज के निकलने के 4 दिन पश्चात यूरिन के कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है पर इनका रोल भी अभी अनक्लियर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एरोसोल को इनहेल करने से, रेस्पिरेटरी सेक्रीशन से और कॉन्जंक्टिवा के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 तक 10 दिन के बाद फीवर होता है तथा 14 दिन के बाद रैशेज निकलते हैं। पैथोजेनेसिस मीजल्स का वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तथा कॉन्जंक्टिवा के थ्रू शरीर में प्रवेश करता है। इसके पश्चात वहाँ वायरस का लोकल मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लाइड वायरस फिर लिम्फ नोड्स में प्रवेश करते हैं। लिम्फ नोड्स के थ्रू वायरसेस ब्लड में रिलीज होते हैं। इसके कारण प्राइमरी विरेमिया होता है। इसके पश्चात वायरसेस लिवर और स्प्लीन में एंटर करते हैं जहां उनका फिर से मल्टीप्लिकेशन होता है। ये मल्टीप्लाइड वायरस फिर से ब्लड में रिलीज होते हैं जिसके कारण सेकेंडरी विरेमिया होता है। सेकेंडरी विरेमिया के साथ ही पहले लक्षण दिखाई देते हैं जिसे डिजीज की प्रोड्रोमल फेज कहते हैं। इसके पश्चात वायरस टारगेट ऑर्गन्स जैसे कि स्किन, माउथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और कॉन्जंक्टिवा में प्रवेश कर डिजीज की शुरुआत करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स प्रोड्रोमल फेज 10वें दिन से 14वें दिन तक होती है। इसमें रोगी को मलेज, फीवर, कॉन्जंक्टिवल इन्फेक्शन, आँखों का लालपन, कॉफ और नेजल डिस्चार्ज आदि लक्षण होते हैं। कोप्लिक एस स्पॉट्स ये शरीर में होने वाले रैशेज के निकलने से 1 से 2 दिन पहले बकल म्यूकोसा में होने वाले छोटे छोटे ब्लूइश व्हाइट अल्सरेशन है जो कि फर्स्ट और सेकंड मोलर टीथ के ऑपोजिट निकलते हैं। अरप्टिव फेज प्रोड्रोमल फेज के 3 से 4 दिन के बाद शरीर पर रैशेज निकलने के साथ ही ये फेज स्टार्ट होती है। ये रैशेज रेड मकुलोपैपुलर टाइप के रैशेज होते हैं जो कि टिपिकली माथे से निकलना प्रारंभ कर नीचे की ओर बढ़ते हुए 2 से 3 दिन में लोअर एक्सट्रेमिटीज तक फैल जाते हैं। ये रैशेज जिस प्रकार से शरीर पर निकले थे उसी प्रकार से 3 से 6 दिन में ये गायब हो जाते हैं। परंतु जिन स्थानों पर रैशेज निकले थे उन स्थानों पर ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाता है जो कि बाद में ग्रैन्यूलर डेस्क्वामेशन में चेंज हो जाता है।